बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। खिलाड़ी के घर चंद्रशेखर, अभी हाल ही में दिन दहाड़े दलित बिरादरी से ताल्लुक रखने वाली राष्ट्रीय स्तर की खो खो महिला खिलाड़ी की मुंह काला करने के इरादे से दरिंदों ने खिलाड़ी की गला घोटकर हत्या कर डाली थी। इसी सिलसिले में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद अपने लाभ लश्कर के साथ मृतक खिलाड़ी के परिजनों से दुख दर्द बांटने व इंसाफ दिलाने के मकसद से उनके परिवार वालों से मिले। हर संबंध मदद वे न्याय दिलाने का परिवार वालों को भरोसा दिलाया। मजबूती से उसको करे, लेकिन मुझे सरकार से उम्मीद नहीं कि ये सरकार दलित विरोधी, ये महिला विरोधी सरकार है, क्योंकि इनकी सरकार में रोज बहन बेटियों की रेप हत्या हो रही है। अभी नोएडा मुझे आते आते पता लगा कि एक बच्ची का सुबह अपहरण हो गया 4:30 बजे। अब आप बताइए कि जिस प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है उसको आप उत्तम प्रदेश कहेंगे या कानून का राज कहेंगे? तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि इस केस की सीबीआई या सीबीसीआईडी जांच हो, और इसमें जो और लोग इसके जांच में जो लोग और सामने आएंगे, क्योंकि अकेला व्यक्ति मुझे नहीं लगता है, वो और जो लोग सामने, सबको जेल भेजा जाए, उनको सजा हो। हम सब लोग परिवार के साथ खड़े हैं इस केस को कोर्ट में हम लोग ही, हमारी टीम जो है लड़ेगी। पीड़ित परिवार को हम टूटने नहीं देंगे। और मैंने ये भी कहा परिवार को, अगर कोई उनको धमकाए, कोई अधिकारी कर्मचारी कोई नेता, तो आप मुझे जरा सा बता दे एक बार। आपकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अभी जांच चल रही है, अभी 40% कम्प्लीट हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ ना कि कभी कभी पुलिस अधिकारी भी सरकार के प्रेशर में वो करते हैं जो सरकार चाहती है। चंद्रशेखर भाई, हमने सबने देख लिया है, उत्तर प्रदेश में उन्नाव हमने देखा, कुलदीप सेंगर का केस आप सबको याद है। लेकिन मैं आप सबसे भी कह रहा हूँ मीडिया के बंधु साथियों, कि बच्चे तो हमारी सबकी हैं, बहनें तो हमारे घर में हैं, माएं तो हमारे घर में, भाभियां तो हमारे घर में हैं। क्या हम बहन बेटियों को बिजनौर में या उत्तर प्रदेश में घर से बाहर नहीं निकालेंगे? क्या हम उनकी आजादी छीन के उनको बंद करके रखेंगे? क्या हम उनको पढ़ने का और तमाम तरह का अधिकार जो उनको संविधान दिया वो छीन लेंगे? क्या हम उनको आज भी दो दर्जे के नागरिक इस देश में बना के रखेंगे? तो ये कानून व्यवस्था पे भी सवाल है, जिसके दावे जो है ना बड़े बड़े पोस्टर लगा के बैनर लगा के मुख्यमंत्री करते हैं, कानून का राज है। चंद्रशेखर जी, इनकी बहन ने एक वीडियो जारी करी थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उसकी, मैंने लड़की की हालत देखी कि उसके साथ रेप, बुला दो, बुला उनको, उसके साथ रेप जैसी घटना हुई। हाँ बिल्कुल, आपने देखी, अगर आपने बॉडी देखी हो। हाँ, तो क्या उसमें रिपोर्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ की गई? देखो मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ जी, बिल्कुल तौर पर किस बदल जाती है बहुत सारी वो जी। हमने तो देश के कई केसों का हाल देखा है कि बहुत, देखो पहले तो पुलिस ने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, अगर आपको याद हो, मैं आपको हाथरस लेके चलता हूँ, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि रेप नहीं हुआ, लेकिन फिर सीबीआई की जांच में ये साबित हुआ एफआईआर की उन्होंने कि हाँ रेप हुआ है। तो कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की बातों पर भरोसा करना और कोई रिपोर्ट बदलना, यहाँ तो लोग जो है सरकार बदल जाती है, यहाँ तो लोगों के मत बदल जाते हैं, रिपोर्ट वोट बदलना कोई बड़ी काम नहीं। मुझे लगता है कि जिसकी रिपोर्ट 6 घंटे में एफआईआर जिसकी दर्ज होगी उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अभी पीड़ित परिवार मेरे साथ है, आप लोग उनको भी सुनेंगे, वो अपने बयान देंगे और वो लोग क्या सोच रहे हैं उनको भी सुनना चाहिए, क्योंकि क्या लगता है आपको चंद्रशेखर भाई की रिपोर्ट बदली गई है? क्या चाहते हैं मीडिया के लोग, आम जनमानस, परिवार के लोग? न्याय तो चाहते हैं और ये चाहते हैं दोबारा ऐसी घटना ना हो। तो क्या नाम है आपका? मोबाइल पीछे कर दो यार। जी ललिता जी, बताएं क्या हुआ आपके साथ? मेरी बहन को दिन दहाड़े मार के डाल दिया लाइनों पे, और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे सीबीआई जांच की मांग है मेरी, कि सीबीआई इस केस को दोबारा से जांचे और असली मुजरिम को पकड़े। क्या लगता है आपको कि पुलिस ने जांच गलत करी? आप पुलिस ने अपने हिसाब से ठीक किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी अभी भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इसकी जांच सीबीआई करे। आपने परसों एक वीडियो जारी करी थी, उसमें कहा कि ये मुजरिम जो पुलिस ने ला कर रखा है सामने, ये 1% भी नहीं है। नहीं, ये हो सकता है, लेकिन इसके साथ और भी हैं, एक के कंट्रोल में नहीं आने वाली मेरी बहन। तो वही मांग जो मैंने आपके सामने रखी है, परिवार ये चाहता है कि उसकी जांच हो, लेकिन मैं इस जांच के साथ साथ ये भी चाहता हूँ कि इस परिवार को